आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जेएनटी एक्सप्रेस। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन, देश के मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन हो रही है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा, अनंत फल देने वाला है माँ का ये स्वरूप। आज काशी में दिखेगा भक्ति का अनोखा नजारा, नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा, यूपी के सीएम योगी संग करेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। नेपाल के पीएम का वाराणसी में स्वागत करेंगे सीएम योगी, मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ नेपाल से संपर्क बढ़ाने पर भी करेंगे चर्चा। वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, काल भैरव का आशीर्वाद देने के साथ ही काशी विश्वनाथ के भी किए दर्शन। चांद दिखने के साथ ही रमजान के पाक महीने की शुरुआत, पहला रोजा आज। रमजान को माना जाता है संयम और खुदा की इबादत का महीना, गलतियों को सुधारने का मिलता है मौका। रमजान का चांद दिखा लखनऊ में, यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईदगाह में जाकर पढ़ी नमाज। प्रयागराज में नवरात्र और रमजान महीने को देखते हुए पुलिस मुस्तैद, पुलिस अधिकारियों ने की पेट्रोलिंग। मेरठ में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, त्यौहार के मौके पर लगातार गश्त। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती शुरू, आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। वोटिंग से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फिर दावा, सरकार गिराने की हो रही है विदेशी साजिश। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान का यू टर्न, सूत्रों के मुताबिक अपने सांसदों ने इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव के वक्त मौजूद रहने का दिया निर्देश। पाकिस्तान के युवाओं को इमरान खान ने किया संबोधित, कहा मुल्क में सांसदों की हो रही है खरीद फरोख्त। इमरान खान की युवाओं से अपील, बोले विदेशी साजिश के खिलाफ करें शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इमरान खान के बयान को लेकर मरियम नवाज ने किया पलटवार, कहा युवाओं को उनका बयान उकसाने वाला लगा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले मरियम नवाज ने ट्वीट कर कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले इमरान और अन्य पीटीआई नेता गिरफ्तार होने चाहिए। इमरान के उलट पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का बड़ा बयान, अमेरिका के साथ रहे हमारे शानदार रिश्ते। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम का चुनाव आज, उस्मान बजदार ने सोमवार को दिया था इस्तीफा। श्रीलंका में कर्फ्यू के बीच आज बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी, आर्थिक संकट के विरोध में लोगों का हल्ला बोल। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल के बाद लगा कर्फ्यू, प्रशासन ने कल सुबह तक पूरे देश में लगाया कर्फ्यू। श्रीलंका में बिगड़े हालात, कोलंबो में महिंदा राजपक्षे थिएटर के सामने लोगों का प्रदर्शन। भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने सौंपी खेप। कोलंबो में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की कटौती, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई 80 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 41 पैसे और डीजल 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हुआ। भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू, पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने जयनगर और कुर्था के बीच यात्री ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। नेपाल में अब रुपे कार्ड भी चलेगा, पीएम मोदी और शेरबहादुर देववा ने किया लॉन्च। नेपाल के पीएम ने पीएम मोदी को दिया नेपाल आने का न्योता, पीएम मोदी ने मिलकर जताई खुशी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार का समझौता, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल संवाद। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में भरी हुंकार, रोड शो के जरिए दिखाई ताकत। अहमदाबाद के खोदियार मंदिर से सरदार पटेल चौक तक की तिरंगा यात्रा में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान की हुए शामिल। रोड शो के दौरान भारत माता की जय के नारे के साथ केजरीवाल ने शुरू की अपनी बात, कहा गुजरात से तय होगा देश का भविष्य। भारत माता की इनकलाब।
केजरीवाल ने रोड शो में मौजूद कार्यकर्ताओं से की ईमानदारी की अपील, कहा ईमानदारी से राजनीति करना हमारी पहचान, सब मिलकर देश को ले जाएंगे आगे। 2022 के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कसी कमर, दो दिन के गुजरात दौरे पर है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान ने कहा हमें उम्मीद है कि गुजराती भी देश की तरक्की में देंगे योगदान, पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में भी पूरे दमखम दिखाने को तैयार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया साबरमती आश्रम का दौरा, भगवंत मान ने चलाया चरखा, कहा गुजरात के लोग होते हैं इनकलाबी। साबरमती आश्रम में मान और केजरीवाल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ खिंचवाई फोटो, मान और केजरीवाल के साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी गुजरात इकाई के कई नेता। गुजरात इकाई के आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल से की मुलाकात, सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आप पर गंभीर आरोप, गुजरात में रुपए बांटने का लगाया आरोप, ट्वीट कर जारी किया एक वीडियो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को बताया बरसाती मेंढक, कहा कांग्रेस का बंटाधार होने की वजह से मिल रही है मीडिया में जगह। सवाई माधोपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। सवाई माधोपुर में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, बोले देश को एक और आंदोलन की जरूरत। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे अशोक गहलोत, कहा चुनावों के बाद तेल गैस की महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। यूपी में चुनाव के बाद गरीबों के लिए सौगात लाई योगी सरकार, फिर से फ्री राशन बांटना शुरू। योगी सरकार ने 3 महीने और बढ़ाई फ्री में राशन बांटने की योजना, महिलाएं बोल रही हैं बचत, आगे भी जारी रखी सरकार। योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को फ्री में बांट रही है गेहूं और चावल, आने वाले दिनों में भी चना तेल नमक आदि भी देगी राज्य सरकार। योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही एक्टिव हुई एंटी रोमियो स्क्वाड, नोएडा में स्कूल के बाहर चला पुलिस का अभियान। नोएडा के स्कूलों के बाहर पुलिस संदिग्धों से कर रही है पूछताछ, एंटी रोमियो स्क्वाड में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल। मुंबई में 2 नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की ना हो साजिश, बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं शिवपाल यादव, ट्विटर पर पीएम मोदी को कर रहे हैं फॉलो। महंगाई को लेकर सहारनपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उठाई आवाज। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए ने झोंकी ताकत, एमएलसी प्रत्याशी नूतन सिंह के पक्ष में प्रचार करने पहुंची अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने पंजाब में भगवंत मान सरकार को बताया बच्चा पार्टी, कहा उन्हें मुद्दों की समझ नहीं। लखनऊ पहुंची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में की शिरकत। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, कहा वक्फ की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। तेजस्वी यादव का महंगाई बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर वार, बोले अब उन्हें महंगाई नहीं लगती डायन। आसनसोल संसदीय चुनाव में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर गरमाई सियासत, टीएमसी नेता पर आरोप, बीजेपी ने कहा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। पंजाब में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 10 जिलों के डिप्टी कमिश्नर का तबादला। चंपावत के बनबसा में सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्र से मिले सीएम धामी, मानदेय 500 रुपए प्रतिदिन किया। वीरभूम की रामपुर हाट में 3 देसी बम बरामद, बम स्क्वाड टीम ने कब्जे में किया। विदिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 24 दिनों से अपनी मांग को लेकर उठा रहे हैं आवाज। दिल्ली में गर्मी ने 121 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, मार्च का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पारा बढ़ने के आसार, हीट वेव का अलर्ट। सूरत में लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर बिटिया को पुलिस का सलाम, 10,000 का इनाम देकर किया सम्मानित। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आसमान से गिरा आग के गोली जैसा पदार्थ, मची अफरा तफरी।
आसमान में आग के गोले देख अकोला में भी लोग हैरान, मोबाइल में किया कैद। गुजरात के कई जिलों में भी कुदरती घटना, नवसारी, डांड पाटन, दाहोद समेत कई इलाकों में लोग सहमे। मध्य प्रदेश में भी आकाशीय घटना से हड़कंप, आसमान से गिरते गोलों को देखकर दंग रह गए लोग। आईपीएल में हुए दो मुकाबले, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 23 रनों से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने जॉस बटलर के शानदार शतक और शिमरॉन हिटमायर के तूफानी 35 रनों के सहारे बनाए 193 रन। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी, 17 रन देकर चटकाए 3 विकेट। टाइमिल मिल्स को भी मिली 3 सफलता। 194 रनों का पीछा करते हुए 170 रन ही बना सकी मुंबई की टीम। ईशान किशन ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, तिलक वर्मा ने बनाए ताबड़तोड़ 61 रन। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल और नवदीप सैनी ने की बेहतरीन गेंदबाजी, चटकाए 2-2 विकेट। बोल्ट प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन को मिली 1-1 सफलता। पुणे के एमसीए स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में गुजरात की शानदार जीत, दिल्ली को 14 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने बनाए 171 रन। शुभमन गिल ने खेली 84 रनों की शानदार पारी, कप्तान हार्दिक पांड्या ने बनाए 31 रन। दिल्ली के लिए मुस्तफिजुर रहमान रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 3 विकेट। खलील अहमद को 2 और कुलदीप यादव को मिली 1 सफलता। 171 रनों के जवाब में 157 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम, कप्तान ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन। आज आईपीएल में चेन्नई और पंजाब के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे से मुकाबला। चेन्नई और पंजाब में जीत के लिए होगी जोरदार टक्कर, दोनों टीमों को पिछले मैच में मिली थी हार। डर्बन टेस्ट में पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाए 298 रन, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू, 75 रनों की कुल बढ़त। दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का टूटा मेदवेदेव का सपना, मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में मिली हार। मियामी ओपन के महिला वर्ग के फाइनल में पहुंची जापान की नाओमी ओसाका, खिताब के लिए स्वियाटेक से मुकाबला। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, यूक्रेन से जंग के 39वें दिन भी कई इलाकों पर दागे गोले। जेपुरिजिया के पास एनर गोदर पर रूस की ताजा बमबारी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जोरदार धमाका। खार्किव पर रूस का मिसाइल हमला, सेंट्रल पार्क ऑफ कल्चर एंड लेजर में भारी तबाही। मारीपोल में रूस के हमले में कई घर तबाह, कई अनाथ घरों को भी पहुंचा नुकसान। मारीपोल में तबाही के बाद लोगों ने छोड़ा शहर, यूक्रेन के लड़ाकों की खोज कर रही है रूसी फौज। यूक्रेन के समर्थन में आए पोप फ्रांसिस, ईसाई धर्मगुरु ने हमले के लिए पुतिन की जमकर आलोचना की। युद्ध के बीच शांति की जगी आस, यूक्रेन की तटस्थता को लेकर इटली गारंटर बनने को तैयार। यूक्रेन में शराब पर 1 महीने के प्रतिबंध के बाद खुली दुकानें, सुपरमार्केट में शराब खरीदने उमड़े लोग। यूक्रेन के चुहेव में अस्पताल में भारी भीड़, रूस के हमले में घायल लोगों का चल रहा है इलाज। युद्ध की वजह से यूक्रेन को अब तक $1 ट्रिलियन का नुकसान, जेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उस्टेंको ने दी जानकारी। ऑस्कर रेड कार्पेट पर हॉलीवुड दिग्गजों का जमावड़ा, फिल्म कलाकारों ने एक स्वर में यूक्रेन पर रूस के हमले का किया विरोध। अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस ने यूक्रेन संकट को मानवीय पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प, रमजान का महीना शुरू होते ही दोनों देशों में हिंसा से बढ़ा तनाव। दुनिया भर में रमजान की धूम, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, यूएई में पवित्र महीने की शुरुआत पर भारी उत्साह। रमजान पर मक्का के ग्रैंड मस्जिद में उमड़ा मुस्लिम श्रद्धालुओं का हुजूम। भारत और नेपाल की नई